बात पश्चिम बंगाल की भी करते हैं, जहां संदेश खाली में पिछले 10 दिनों से बंगाल में सियासी पारा चरम पर है, बवाल मचा हुआ है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, बीजेपी का डेलीगेशन आज संदेश खाली जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में 5 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली जा रहा है। आज वो उन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने वाले हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ। संदेश खाली रवाना होने से पहले सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। हम लोग तो पहले दिन से कोशिश कर रहा है, 10 तारीख से हम लोग कोशिश कर रहा है, 12 तारीख भी रोका, 15 को रोका, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट को रोका, डिस्ट्रिक्ट टीम को रोका, बीजेपी को रुक ही रहा है। सेंट्रल से जो टीम आया, 2 सेंट्रल मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, ये लोग को भी रुका, सबको रोक रहा है। लेकिन आज का कोर्ट का ऑर्डर लेकर जा रहा हूं, मेरा पास जो जानकारी है, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट विल गो टू द डिवीजन बेंच, वो जो जा सकता है डिवीजन बेंच, रोक लगा देगा तो जहां समाचार मिलेगा वहीं रोक जाऊंगा। हम लोग लॉ अबाइड पीपल है, जुडिशियरी को रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जुडिशियरी के ऑर्डर पर ही जा रहा हूं। पुलिस क्या करेगा, पुलिस का मामला है, पुलिस को पूछ लीजिए, ये मेरा मामला नहीं। सुवेंदु अधिकारी के साथ जो डेलीगेशन संदेश खाली जा रहा है उसमें बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल, सुमिता सिन्हा, तापसी मंडल और शंकर घोष शामिल हैं। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक किया। उन्होंने कहा कि उनके राज में बंगाल क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। आज बंगाल अशांत है, अराजकता, अनैतिकता और अत्याचार का कैपिटल हो गया है आज बंगाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बंगाल। जो संख्यालघु मुसलमान का वोट से वो हर साल माने हर इलेक्शन में पावर में आते हैं, वो संख्यालघु मुसलमान को, महिला बच्चा को जिंदा जला देता है, उनका पुलिस बाहर खड़ी रहती है, देखती है। संदेश खाली का सच जल्द से जल्द सामने आना चाहिए, लेकिन इससे लेकर सियासत चरम पर है। सीपीआईएम लीडर वृंदा करात ने इस पूरे मामले पर क्या टेक दिया है, पहले वो सुनाते हैं आपको। अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो पहले मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगाइए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल नहीं है। ये लोग जो तथाकथित अपने को ऑटोनोमस कमीशन बोलते हैं, ये सब अनफॉर्चुनेटली बीजेपी आरएसएस के कमीशन बन गए हैं। तो प्रेसिडेंट रूल का अर्थ ये है बीजेपी आरएसएस के रूल, तो जौले कुमे दांगाए बागे मतन ये अवस्था हो जाए, তো সেই জন্য প্রেসিডেন্ট রুলের ব্যাপার না। ব্যাপারটা হচ্ছে এই সরকার এর উপর, এই টিএমসি সরকার যা গুন্ডাগার্দি করছে সেই সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মত সেটা মোবিলাইজ করার জন্য, সেটা আমাদের। तो आपको बता दें इस पूरे मामले पर वृंदा करात का सिंपल टेक ये है कि इस मामले में जो प्रेसिडेंट रूल की बात की जा रही है ये एक तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिमांड है। बहरहाल हम बात करें शाहजहां शेख की, जो इस पूरे मामले में आरोपी है और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन 5 जनवरी को भी हुआ, 8 फरवरी को भी हुआ। शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जब प्रदर्शन किया तो ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गया, पोलिट्री फार्म तक इसमें फूंक दिया गया। राज्यपाल सीवी बोस ने इस पूरे मामले में खुद स्वतः संज्ञान लिया। पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए वो संदेश खाली पहुंचे। 12 फरवरी को उनकी मुलाकात भी हुई। बंगाल विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाया गया, जबरदस्त हंगामा भी हुआ। हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सुना, उन्होंने सीधा सीधा तौर पर इस पूरे मामले में राजनीति का इशारा किया। हालांकि इस मामले में अभी एक कमेटी बना दी गई है जो अपनी छानबीन भी कर रही है। एक तरफ टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, टीएमसी के संदेश खाली यूनिट का संयोजक शाहजहां शेख जो इस मामले में अभी तक फरार चल रहा है, राज्य मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का बेहद करीबी कहा जाता है, ईडी की टीम पर हमले का मास्टरमाइंड भी है, राशन वितरण घोटाले का आरोप भी है। 2011 में भी लेफ्ट छोड़कर वो टीएमसी में शामिल हुआ था और उसके बाद से टीएमसी नेताओं के लिए
शाहजहां शेख बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जगह जगह रेड मारी जा रही है लेकिन इसका हासिल कुछ नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में सरकार शुरुआत से हिला हवाली करती रही, यहां तक पीड़ित महिलाओं ने कहा कि उन्हें पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। अभी आप तस्वीरें देख रहे थे रेखा शर्मा की, जो कि एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष हैं, वो भी संदेश खाली पहुंची थी और उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने की कोशिश भी की। प्रेसिडेंट रूल की मांग की जा रही है इस पूरे मामले पर। इधर संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा अटैक किया है, उन्होंने कहा कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहा नेता संजय राउत ने, आपको सुनाते हैं। बीजेपी के है, देखिए अब बीजेपी के सब तोते हैं, जाएंगे आपके जहाँ राज्य है वहाँ क्या हो, महाराष्ट्र में आकर देखिए क्या हो रहा है। ये जो है महिला अध्यक्ष, आप आइए महाराष्ट्र में, आपको बताता हूँ क्या चल रहा है आजकल, या यूपी में क्या चल रहा है। हाँ देखिए ना क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल को आप टारगेट कर रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आप टारगेट कर रहे हो, महाराष्ट्र में शरद पवार उद्धव ठाकरे जी को आप टारगेट कर रहे हो, ये आपकी नीति अब नहीं चलेगी।